भारत में एक नए वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम है टोमेटो फ्लू संक्रमण। इसके मरीज सर्वप्रथम केरल, फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाए गए हैं। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। आइए जानते हैं टोमेटो फ्लू संक्रमण के कारण, लक्षण और बचाव। क्या है टोमेटो फ्लू? यह एक वायरल इन्फेक्शन है। इस संक्रमण को टोमेटो फ्लू क्यों नाम दिया गया? क्योंकि रोगी के शरीर पर लाल फफोले आ जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर एक सामान्य टमाटर का आकार के हो जाते हैं। टोमेटो फ्लू का संक्रमण बच्चों में ही पाया जा रहा है, वयस्कों में क्यों नहीं? यह संक्रमण रोग आंतों के वायरस के कारण होता है, जो वयस्कों में दुर्लभ होता है, क्योंकि उनके पास आमतौर पर वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिसका पूर्ण विकास बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं होता है। इसलिए बच्चे इससे संक्रमित हो जाते हैं। क्या है टोमेटो फ्लू के लक्षण? टोमेटो फ्लू वाले बच्चों में प्राथमिक लक्षण चिकनगुनिया के समान है, जिनमें तेज बुखार, चकत्ते और जोड़ों में तेज दर्द शामिल है। अन्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण देखे गए हैं। टोमेटो फ्लू के संक्रमण को लेकर दो बातें चिंताजनक हैं। यदि बच्चों में टोमेटो फ्लू के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वयस्कों में भी यह फैल सकता है। इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। टोमेटो फ्लू के संक्रमण को लेकर राहत की बात, यह बीमारी जानलेवा नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी तक टोमेटो फ्लू से संक्रमित किसी बच्चे को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बच्चा 1 हफ्ते में ठीक हो रहा है। क्या है टोमेटो फ्लू का उपचार? टोमेटो फ्लू का इलाज चिकनगुनिया, डेंगू, हैंड फुट एंड माउथ के रोगों के इलाज के समान है। वायरल फीवर की दवाएं इसमें कारगर हैं। मरीजों को सलाह दी जाती है कि जलन और चकत्ते से राहत के लिए वे आइसोलेट रहें, आराम करें, तरल पदार्थ का सेवन करें और गर्म पानी का स्पंज लें। थैंक यू सो मच।